स्वरूपम् रूपम् तस्या गजगुरिपुरीम् माथुरीम् गोस्तवाटीम् राधाकुण्डम् गिरिवमहो राधिका माधवासम् प्राप्तो जस्य प्रथित कृपया सङ्गुरुम् नमोऽस्मि गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदाधये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय नमो तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे अन्य माम शरणन्ति यत किङ्करेषु वंश खलु काकुबानि मिथ्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले यस्या कदारसनिधे विशुभानुजाय तपके विकुञ्ज भवनं गणमर्जने हमरा जे स्थाने ते एसेछि से स्थान अत्यंत गोपनीय एमन कि कृष्णेरो साधना आराधना रीता जाएगा महाप्रभुर एकांत अनुगत छाड़ा এই স্থানের মহিমা অন্য কোন সম্প্রদায়ের নিকটে পরিচিত নয় বল্লভাচার্য সম্প্রদায় নিম্বার্ক সম্প্রদায় রামানুজ কথাই বাকি অন্য কোন সম্প্রদায়ের এ স্থানের মহিমা বিশেষ নাই অত্যন্ত দুর্লভ মহিমা এ স্থানের নাম হচ্ছে যাবট যে বটের নিকটেতে যে বটে সুশীতল ছায়া নিকটে শ্রীমতী রাধিকা রাজভবন ছিল এইটা শ্রীমতী রাধিকার স্থান এইটা মোটামুটি বুঝতে হবে এই জন্য ছিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুরও বলছেন যে বিশ্বভানুপুরেতে আমার কখন জন্ম হবে আর বিবাহ হবে আরো আমাদের সব সর্বত্রই এইটি প্রসিদ্ধি এইখানেতে কৃষ্ণেরই ছায়া অভিমন্যু এখানে থাকে তারই মায়ের নাম জটিলা আর তারই ভগ্নের নাম টিলা এখানে শ্রীমতী রাধিকা বিবাহ হয়েছে গোপীরাও সব এইখানে থাকছে ললিতা বিশাল কাচিত্রা চম্পকলতা ইত্যাদি সব এই ভবনেতে বিভিন্ন প্রকারের শ্রীমতী রাধিকা তারা সবগুলি সেবা করছে সেদিনে বলেছিলেন যে সে ওই পাশেই তো কপিল বন নিকটে ওইখান থেকে কুহু কুহু শব্দ করতে এমনকি তার সমস্ত বিচিত্র লীলা এইখানে হয়েছে যদি এই যাবত স্থান না থাকতো তাহলে পার্কীয় ভাবটাই থাকতো পার্কীয় ভাবের এই যাবতটাই হচ্ছে স্থান এইখানেতে থাকাকালে যশোদা মা মনে মনে চিন্তা করছে যশোদাজি চিন্তা কর রহি কি আমারা বাচ্চা কানাই দুবলা পাতলা হয়ে যাচ্ছে আমারা বাচ্চা লালা দুবলা পাতলা হো রা খাতা কুছ নেই হ্যাঁ জো কুছ উসকে লিয়ে হম বানাতি হ্যাঁ ও কুছ ভি নেই খাতা না জানে উসকো ক্যা হো গয়া হ্যাঁ পূর্ণমাসী জি সে পুছা যে হমকো ক্যা করনা চাহিয়ে আমারা বাচ্চা দুবলা পাতলা রাতা হ্যাঁ খাতা পিতা নেই হ্যাঁ উনহোনে কাহা ব্রজ মে राधा की नाम की एक रमणी है अभिमन्यु की पत्नी है विश्वभानु महाराज की लाडली है विश्वभानु महाराज से उनका अधिक संबंध वो यदि रसोई बनाने के लिए यहाँ आ जाए और वो रसोई बनाए तो कृष्ण को बहुत रुचिकर हो जाएगा और वो अजरमर बन जाएगा कभी उसको रोग नहीं होगा
और बड़े बड़े दैत्य दानवों को भी वो मार सकता है। सब प्रकार से उचित है, उसको आप बुलवा लीजिए। उन्होंने कहा कि आपकी सहायता के बिना हम नहीं बुला सकती। अपना सहयोग छाड़ा ताकि डरते हमारे कथा ही सुनबे ना। अच्छा तो तुम्हें प्रयास करो, हम प्रयास करो। यशोदा देवी तार संगे एक परिवार संगे बंधुत्व कर ले, तार सासुड़ी के जटला के नीचे सखी पात ले, उनको सखी बनाया, बहुत लोग दिया, प्रस्ताव किया डरते डरते ये तुम अपनी बहू को कुछ दिन के लिए हमारे घर में नंदगांव में रसोई बनाने के लिए भेज दिया। वो तुम्हारी जैसी बहू है और हमारी भी बहू है, तुम्हारी जैसी बेटी है मेरी भी बेटी रहेगी। और अपने घर से उपहार लेकर के कपड़े लत्ते आभूषण सब लेकर के उनके यहाँ भेजे, तो कहते हम नहीं भेजेंगे, तुम यहाँ की रानी हो भले ही, तुम अपने बहू को तुम्हारे घर में किस लिए भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। पौर्णमासी जी आकर के एक दिन बोली, अरे यशोदा जी ने कहा आप, तुमने उसको मना कर दिया, तुम्हारा लड़का मर जाएगा यदि उसकी बात नहीं मानेगी। हम जानती हैं भविष्य दृष्टा है, तुम्हारी गाये सब मर जाएंगे, तुम्हारे गोरू जो तो बुरी मारा जाएगी, गोधन नष्ट हो जाएगी, इसे जल्दी से उसके कहने से भेज दो, कोई चिंता की बात मत करना, मैं हूँ। फिर राजी कर लिया। इसी प्रकार से तो प्रतिदिन यहाँ से यहीं से जाती थी नंद गांव में और रसोई बनाती, प्रतिदिन एकांत के जिए रहना पड़ते। रोहिणी माता खूब रानना से पटु छिलन, बहुत ही चतुर थी रसोई बनाने, किंतु राधा जी के सामने वो भी फीकी पड़ जाती थी, वो केवल सामान एकत्रित करके और राधा जी के हाथ पहुंचा देती और समस्त सखियां सब मिलकर के और एक साथ में 10-20 चूल्हों पर बड़े सुंदर रूप से रसोई बनाती और कृष्ण खाते। बीच में जब यहाँ से चलती थी सखियों के साथ में कुंदलता उनको बुलाने के लिए आती थी, गोविंद लीलामी में वर्णन है, जबकि जाती थी तब कदम बटे बीच में पड़ता है, बीच माच खाने से कदम बटे कदम बटे रहे थे कृष्ण गोदोहन करवा जन्ना वो खाने से खाते, पूरा वही रास्ता दिया आज के आज कृष्ण जेने सुने गोरगुली के लिए रास्ता ऊपर थे रखे दीते, और दो पासे गोरु गई तो माच खाने रास्ता, श्रीमती बोलते हैं हम एखने चलो हमारा गोल दीजिए, ललिता बोलते हैं तुम्हें भय कर करो ना कि एक हंकार दिले कुठाए से चले जाए। तापर तिनी नहीं आसछें कृष्ण दुईते दुईते गोरु एमन धार मेरे छे अनेक दूरे जाच्छें और तार समस्त मुखमंडल एक बारे दूधे तक जाच्छ हो गया, समस्त दूध से एकदम भर गया, ऐसी ऐसी लीलाएं करता। राधा जी भी उनका दर्शन करने के लिए कभी उनके गले में माला मणियों की मणि माला हठक स्थल से सब बुली पड़ जे तो और सब चारों दिखे छिपे जे तो और ओखने बसे जेने सुने सब बुली पड़े तार दर्शन कर। তারপরে ওখানে যেতেন রান্না ইত্যাদি করতেন প্রতিদিন। এক সময় কোন কারণবশত শ্রীমতী রাধিকা কিছু অপ্রসন্ন হয়ে গেছেন, মান তার হয়েছে আর যাওয়ার থেকে ওখানে যান না, যাওয়ার সে বউ গই নাই। কৃষ্ণ সোচা যে কেসে মানে আজে সুবল সে কহা ধনিষ্ঠা সে কহা ललिता भी से कहा किसी की बात आज नहीं सुन रही, खाना पीना छोड़ दिया और यहीं पर माननी होकर के बैठ गए। कृष्ण सुनता कि दूसरी जगह होता तो मना लेते, उसके घर में वो जटिला जटिला पाक बनाती है और कुटिला कुटिल प्रकार की वो है, वो हवा के गंध से भी जान लेती है ये कृष्ण किधर से आया किसने, और सब समय उसको गाली गलौज करती है, सब समय बड़ी कड़ी नजर रखती है, খুব কঠোর নজর রাখে, এক তুই এদিকে দিকে হলে কত রকমের কথা বলবে সব। কৃষ্ণ সোচ বিচার করকে
पटु का वेश बनाया। पटु माने की ब्राह्मण बालक पोर्टे जाते नहीं गलाते माला खड़ा पर नहीं बगले बी दाबिए नहीं छत्र ले ली ताल के पत्तों का एकदम ऐसा वेश बनाया जो कोई ना समझ सके कि कृष्ण नहीं है एकदम बदल गया एक बार फल टेगल और अरे अभिनय थे हमारा पूछते पारी ना जैसे के व्यक्ति एक नाटक में हम लोग नहीं समझ पाते कि कौन वही व्यक्ति है वो सज गया है आ कृष्ण स्वयं भगवान आ इच्छा कर ले जोगमाया ताकि एमुल साजिए दिए छे सत्ती सत्ती एक छात्र बालक मुचुन हुए से शांति के अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन मैंने क्या है यहाँ के अद्वैतवादी सन्यासी कहेंगे अलख निरंजन अर्थात ब्रह्म निराकार है वही मैं ब्रह्मकार हूं हानि से ही ब्रह्म अलख ताकि देखते पड़ा निरंजन कोई उपाधि नहीं है तो वो है तो स्वयं अलख निरंजन जगत के दृश्य से नहीं दिखे जाते और निरंजन कोई उपाधि नहीं है उनके अंदर में बात तो ठीक है निर्गुण है किंतु अद्वैतवादियों का ये शब्द है बस ऐसे ही करते करते यहाँ पर पहुंच गए जटला के घर में अलख निरंजन कह करके भिक्षा मांगने लगे हम लोग अभी ब्रज में जय राधे करते हैं और लोग भिक्षा देते ब्रज के सभी लोग भिक्षा दिए दिए तो ऐसे अलख निरंजन कहने लगे दर करके जटला जी आई ओ कोई बालक साधु आया बालक साधु बालक ब्रह्मचारी बटु आया कहे बेटा थक जाओ थक जाओ अभी आके बस घर में गई भरे थे गले असुंदर सुना था लाते आटा एकाने ओखाने बंगला से चावल एकाने से आटा दाल घी मैदा या किछु ऐसे सब दिन नहीं आते मैं बोले बाबा तुम्हें लो उन्हीं बोलने जैसे हम तुम्हारे हाथ से चली बोना मैं तुम्हारे हाथ से नहीं लूंगी लूंगा क्या बाबा तुम्हें लीले ना तो तुम विधवा हो तुम्हारे हाथ से मैं विधवा का लोगों का हाथ का नहीं देता और मैं जा रहा हूँ दूसरे के घर में चला जाऊंगा वहां से कुछ भिक्षा मिल जाएगी फले जाओ कुछ भी खा पावा जाए हम एक जगह से शुद्ध गोदोहन का जो तो 5 मिनट में गोल गुहा जाए तो 5 मिनट मात्र साधु बोनेर एकटा नियम छिलो बस गाय को धोने में कितना समय लगता है 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बस उतना ही देर तक रहेंगे इसके बाद हम चले हमारा वो 5 मिनट होगा आप जा रहे हैं कहीं नहीं बाबा हमारा सर्वनाश हो जाएगा सवेरे सवेरे अभी बहनी का समय सवेरे सवेरे अभी यदि तुम खाली हाथ लौट जाएगा यदि तुम खाली हाथे यदि चले जाओ तहे तो हमारा सर्वनाश हो हमार गोरुगुलि नष्ट हो जाए हमार छेलेर असुख विसुख हो जाए हमार कोनो छेले नाय नाती नाय एकटो नाती हमार बाड़ीते तो होबे एई सब कतो रकमे ताके मनाइते लागलो उनको मनाने लग गए कहने जल्दी से जल्दी करना है तो तुम्हारे घर में कोई ऐसी बहू है तो बुलाओ नहीं तो हम चले जा रहे अच्छा बाबा तुम 2 मिनट एक थको तुम्हारा हमें पाए पड़ी जल्दी अपनी बहु माँ से बोली अब तो बहु माँ के बोल रहे माँ चलो तू चलो तो साथ में इसे बाल तेजस्वी अभी बाल सन्यासी बाल बटू अभी आपको विद्वान चलो तुम्हें ना हमें कब तुम जाबो हमें कोनो पर लोगेर काछे एमन ही तो तुम्हारा दुर्नाम करो তুমি আমার মা ঠাকুরানি আর আমারই বদনামি কর আর তুমি যদি কিছু চুপ খাবো তাই ননদ মশাই গ্রামে গিয়ে ঢোল পিটিয়ে দিয়ে আমার বিরুদ্ধে বলে দিয়ে ঢোল বাজা করকে হমকো কহেঙ্গে ইয়ে আমারই বদনামি করতি হম নেই জানি আই সাধু চলে গেলে আমাদের সর্বনাশ হবে তুমি শীঘ্র চলো কিছুতেই যাবে তখন লালচা বিশাখা ইত্যাদি उनके चरण को पकड़ते बोलिए बेटी तुम लोग इनको तैयार कर दो नहीं तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा हमारे हाथ से वो लेता नहीं है और वो सन्यासी बड़ा तेजी है वो बच्चा जरूर कुछ अभी संपाद दे करके चला जाएगा और वो 1 मिनट से ठहरेगा नहीं अभी जल्दी से जल्दी इसको दो
तब उन लोगों ने राजा जी से कहा। फिर अंत में अच्छी बात है, ठीक है, चलती है। यही बोले सुंदर सोना थाला के सब जिन पत्र लिए दिए लेकर के और चली। जा करके गई, कृष्ण ने देखा जैसे हम जिसको चाहते थे वही आए, हम जाके क्या खिलाम से ये थे घूमू एकदम यहाँ तक लटका दिया, जैसे कि इधर के रीतियां हैं, घूमू तो एकदम नीचे तक लगा दिया और थाल में लेकर थे। जब वहां पर पहुंची भिक्षा देने के लिए, जब हम भिक्षा के बाद जीते लागले भिक्षा समय नहीं लेता, क्या देने सतवा है विधवा है नहीं देने क्या है, तुम्हें खे ना जेने हमारे साथ देखते पुरुष नारी ना की तुम्हें हम ये रकम दी बोला, तुम लड़का है कि स्त्री है कि क्या है, हम नहीं लगा। ललिता इत्यादि ने कहा जय भाई दे। फिर जब देने लगी कहा मैं ये भिक्षा नहीं लेता, मैं तो किसी भिक्षा के लिए आया, विशेष भिक्षा के लिए। आप सारे पर माननी हो गई क्रोध करते और आपके बिना मैं रह नहीं सकता, तुम भी हमारे बिना नहीं रह सकते, तुम ही हमारा अपनी छात्र पढ़ना हम ही तुम्हारे सामने चाहते এখন আমি ভিক্ষাতে এসেছি এই ঝোলি আমার, তোমার মানরূপী ভিক্ষা আমার ঝোলিতে দিয়ে তোমারা যে মান হ্যাঁ ওই আমার ভিক্ষা মে দে দো ইয়ে সব হম লেকর কে ক্যা করেন। জব ইস প্রকার কে কাহা তো শ্রীমতী রাধিকা জি মুস্কুরা দিয়ে হলে তো ঘুমঘুট উঠা দিয়া আর ফির উসকে বাদ মে মুস্কুরা কর জো কুছ লাই থি উনকে সির কে উপর মে ঢাল দিয়া আর ঢাল করকে বন্ধক। कृष्ण जी का भी मनोरथ पूर्ण हो गया, उनका मान भी भिक्षा के रूप में ले लिया। ऐसी सब लीलाएं एक समय कृष्णचंद्र जी देखा दो एक ही बतलाऊंगा, जसोदा मैया अपनी पिटारी में बक्से में निजे पिटारी में बक्सा थे बड़ो लंबा चौड़ा बक्सा और तार मध्य সুন্দর সুন্দর সোনার আভূষণ জহরাত মোতি হীরা আর স্বর্ণ জটিত বস্ত্র ওইসবগুলি সাজাচ্ছেন, ও সাজা রই হ্যাঁ বক্সে কে অন্দর মে সোনা কা কঙ্গন সোনে কা হার ইহা পর চূড়া মনি কমর করতে বহুত আচ্ছা আচ্ছা অলঙ্কার বেশ কিমতি অলঙ্কার তিনি সাজাচ্ছেন। কৃষ্ণ হঠাৎ করে চলে আসলে, মনে করি কৃষ্ণ যাতে না দেখে কিন্তু কৃষ্ণ হঠাৎ করে কোথা থেকে মা এগুলি কি করছ, মা তুমি যাও তুমি চলে যাও আপনি পিছে আ যান, মা তুমি আমাকে বলে দাও প্যার সে কে সাথ মে উনকা ছড়ি পকড় করকে আর প্যারে বন্ধ করকে আনে লাগে, ভাইয়া তুই বতা দে হমে তুই ইয়ে ক্যা করি হমারা বর্ষনাথ তো নহীঁ আ রহা হ্যায় হমে পহনা হ্যায় কি মানে হমে আমাকে তুমি পড়াবে নাকি আমার বর্ষগাঁথ বার্ষিক দিন কিছু বলেন তুমি যা তোমাকে বলছি না যা পরে আসবো আমার এখন ফুরসত নয় বলবা সমঝ গে যে ইয়ে যা রা হ্যায় যাওট মে ইয়ে যায়গা কিস লিয়ে কি যে জটিলা হ্যায় ও প্রসন্ন রহ করকে রোজ রোজ ভেজা করেন, जब देखे इनके बहुओं के लिए इतना उपहार दे रही हैं, बहु जन ना तो उपहार भालो भालो दीजिए जो भी ना पठाई तर तर दीबे ना ये लोग है जन ना पठा दे तो जसोदा मा बोले छिले ठीक नौटा समय तुम्हार पुत्र भी मन्नी के पाठी दिले हमारे खाने जटिला के जटिला को कहा जे तुम अपने पुत्र को 9 बजे भेज देना सवेरे नहीं तो दूसरे को दे देंगे तो ये बेशकीमती चीज कभी कोई लेकर के इधर उधर चला जाए तो तुम्हारी बहू क्या नहीं पहुंचेगा, इसलिए अपने स्वयं लड़के को भेज देना। अभिमन्यु खाने उपस्थित थे चंदन गांव में बादशाह साजिए दिया होते बादशाह साजा करके जसोदा मां किसी काम से गई और उधर फिर तो सुबल सिद्धांत को लेकर के आ गए, सुबल सिद्धांत के लिए ऐसे गए थे जो तो कापड़ चापड़ जाए अलंकार सब बाहर करे
বাহার করে নিল, আর সেইখানে নিজে বসে দিয়ে সুবল চাপি দিল, সুবল কো বেঠা করছে আর উসমে তালা আর চাবি খুব আচ্ছি তরহ সে লাগা দি, জেসে পেলে লাগা থা। বস ও আয়া আর অভিমন্যু আকর কে আর আপনে সির পর উসকো উঠবা দিয়া, আর উঠবা করকে লে করকে ও ইহাঁ আয়া, আকর কে আপনি মাইয়া কে পাস মে রাখা। मैया ने कहा जैसे हमको ये सब की क्या जरूरत है, बहू पहने की कपड़े लगते ये सब घर में जाकर कर रखाओ। घर में अंतर महल में आया और अंतर माले देनी है ताकि बादशाह रखे दिलो, जखन बादशाह रखे दिलो तखन श्रीमती इत्यादि भारी आनंद देखी ये माँ जसोदा की पाठी छे अमर जन उपहार, तखन जटिला कुटला सब बाहर चले गए थे और इसी मध्य सब सखी का निर्माण छने थे खुला हो ফুলে দেখে শ্যাম সুন্দর উখানে বসে আছে। এসে সব তরহ তরহ কি ক্রীড়াই ইহা পর করতে হ্যাঁ, কবি কবি উনকে ঘর মে আকর কে বেঠ গে, আর ইতনে মে জটিলা আর কুচিলা কো গন্ধ লগে যে জরুর আয়া হ্যায় অভি নিশ্চয়ই এখানে এসেছে, তখন তাকে খোঁজতে লাগে কোথা আছে। কৃষ্ণ নে দেখা যে সে তো খোঁজ করকে আমি বাহার করলে আমাকে খোঁজে দিবে, তখন কৃষ্ণ ঝট করে কালো রূপ ধারণ করে দিয়ে বলে যে কালী হয়ে গেছে, এসা গেরু মট্টি লগা দিয়া আর কালী কা কলিখা লগা করকে আর শাড়ি পহন করকে বস ওই পর খড়ে হয়ে গে কালী জয়সা রূপ জি বাঁধ কর দিয়া এসা জয় জয়কার। ये देवी प्रकट हो गई, देवी ने कहा यदि वर मांगना है तो मांग लो, बस वहां से देख करके नमस्कार करके ऐसे ही सब लीलाएं हुई। अब अधिक नहीं, आप लोगों को भी लोभ उत्पन्न हुई इन लीलाओं में, भजन कीजिए विधि मार्ग से पहले, भजन करते 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 गुरु वैष्णव की सेवा करते करते यदि यहाँ के एक धूल कणा भी हो गए तो जीवन सार्थक हो जाए। इन लीलाओं में प्रवेश शादी नहीं होता, लाखों करोड़ों वर्ष तक लाखों कोटि वर्ष पर्यंत जन्म जन्मांतर धरे ताले ब्रजवासी गणे रूप सनातन कृपा हो गए और तापर वही समस्त मध्य एक प्रवेश ऐसा रोग उत्पन्न हो गए सहज व्यापार में इसी तरह से बहुत सी लीलाएं हैं ब्रज में, कितने क्या अभी हम चलेंगे नंदगांव में, यहीं से पास ही में एक दो राज में पड़ेगा वो फिर कदम्ब, जहाँ पर की वो खड़े होकर के रात ऊपर में बैठ जाते वृक्ष के ऊपर में, वहीं से बंसी बजाते लाखों कोटि गाय वहां पर चली जाती, मणियों से जो माला थी उसी से लाखों कोटि को समझ जाते गाय और पुकारते उसी को बंसी में फिर वही आ जाते। इसी प्रकार से ये सब लीलाओं का स्थान है, हम लोग ऊपर चलकर नंद बाबा का स्थान और उसके बाद में उद्धव के इत्यादि का दर्शन करते गौ। Thank you.